स्वागत करते हैं जी सारे SS टैलीविजन के दर्शकों से रेडियो सुरसागर के श्रोतियों का अज्ज के भगते मसले प्रोग्राम के कुछ मिनटों की देरी नाल प्रोग्राम शुरू हो रहा। असं माफ़ी चाहते हाँ तकनीकी तौर पर, पर असं हाजिर हाँ। तो हूँ तो लैके 9:30 बजे तक साथ बनया रहेगा। तो हर ऐतवार की तरह ही असं करांगे विशेष विषय से गलबात। मेहमान साढ़े को स्टूडियो सरदार रविंद्र सिंह पन्नू भारत के हैं, तो दो कोशिशां वो कर रहे हैं। एक तो खास तौर पर काफ़ी सारे खोज प्रोग्राम नवें बना के तुहाडी सेवा दे विच पेश कीते जा सकन, ते दूसरा है कि उत्थों कुछ अजिहे प्रोग्राम होर तैयार किए जाण जिहड़े कि तुहाडी दिलचस्पी दे लई हो सके, तां अजिहा प्रबंध कीता जावे तकनीकी तौर पर कि वह प्रोग्राम जो हैं लाइव ब्रॉडकास्ट किए जा सकन तुहाडी सेवा दे विच। मैं हाँ सतपाल सिंह जौल, तो स्वागत करदा तुहाडा सारिआं दा अज दे इस प्रोग्राम दे विच। इस तों पहलां कि असीं अगे चलीए, दसना चाहुंदे हां साडे कोल कुछ सूचनावां हन कि जो दुबई दे विच काफ़ी चर्चा दे विच आए सन SP सिंह ओबराए, अज भी पंजाबियों दे विच काफ़ी चर्चा दे विच हन दुनिया भर दे विच ही, कि 17 भारतीयों नूं फांसी दे फंदे तों बचा के उन्होंने भारत वापस पहुँचाया, जिहदे विच 16 ते पंजाबी सीगे। सो जिस करके कि इह शख्सियत चर्चा दे विच है, इन्हां ने कनेडा फेरी ते आउणा, पहलां वैनकूवर ते उस तों बाद टोरंटो, टोरंटो पहुँचना 30 मार्च नूं। 31 मार्च में फिर इन्हों के सन्मान के माल्टन च वेरदी बैंकट हॉल के एक विशेष जो है सन्मान समारोह रखा जा रहा। साबका मैंबर पार्लीमेंट ब्रैमली गोर माल्टन तो सरदार गुरबख्श सिंह मल्ली उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस सन्मान समागम के शमूलियत करना चाहते हो, कोई सहयोग देना चाहते हो, तो 905-867-4248 टैलीफोन नंबर है सरदार गुरबख्श सिंह मल्ली उन्होंने। तो इस दे नाल ही शहीद भगत सिंह ते उन्हां दे साथी शहीदां दा दिहाड़ा कल सी 23 मार्च। इस सिलसिले दे विच ग्रेटर टोरंटो इलाके दे विच काफ़ी सरगर्मियां ने, काफ़ी सारिया अजिहियां जथेबंदियां ने जिन्हां ने कि बड़े सत्कार दे नाल इस दिहाड़े दे मौके ते शहीदां नूं याद कीता है, ते उन्हां नूं याद करन दा इह सिलसिला जो है इस तरह अज जारी रहना है। 31 मार्च नूं खास तौर पर एक विशेष प्रोग्राम जो है तर्कशील सोसायटी नॉर्थ अमेरिका की जो ओंटारियो इकाई है उन्होंने वालों उलीकिया गया है, बलदेव सिंह रहिप्पा ते उन्होंने साथियों के वालों। इस प्रोग्राम दे विच इंडो कैनेडियन वर्करस एसोसीएशन का भी पूरा सहयोग है। काफ़ी सारा ये मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम होएगा, तो शहीदों की जीवनी बारे पिछोकड़ बारे जो है ये भी चानना पाया जाएगा। ये माल्टन दे विच लखनऊ बैंकट हॉल दे विच 31 मार्च नूं प्रोग्राम सवेरे 11 बजे आरंभ हो जाएगा। असीं अज दे प्रोग्राम दे विच गलबात करना चाहते हैं कि साल दे विच तकरीबन काफ़ी बारी पुलिस दे नाल वाह पैंदा साडे लोगों का, तो पुलिस के नाल फिर वाह पैंदा। वैसे तो आप देखते हैं कि क्या यह जाता कि 84 लाख जूना ने, इन सारिया ही जूना के जो कोई बहुत वधिया जून है तो वह मनुख दी है। तो मनुखी जीवन के जो व्यक्ति नूं पुलिस हक्की फिरती है तो गल अपने आप बड़ी विचारगी वाली हो जाती है कि किहड़ा है फिर वो जीवन जिथे वधिया तरीके दे नाल बिना किसी डर तो भय तो है जी जीवन जीया जा सकता है। सो पर ये अज की सच्चाई है दुनिया भर के, तुसीं ग्लोब नूं जरा घुमा के देखो, किसी भी देश की गल करो, किसी सभ्यता की गल करो, तो उत्थों दीआं जेलां नूं देखो जाके, हाँ जी किस तरह तूड़ियां पईआं ने। जेल हमेशा छोटी हुंदी है तो कैदी हमेशा ज़्यादा हुंदे ने, भावें कि कनेडा जां अमरीका वर्गे देश क्यों ना होए। साढ़े भारत देश दे विच पाकिस्तान वर्गे मुल्कां दे विच जेलां दे विच ते कैदी किस कदर तूड़े पए ने, उन्हां दा तो कई बार जिक्र करदे ही काफ़ी दुख महसूस हुंदा है। पर फिर भी यह सच्चाई है कि 84 लाख जूनां तो बाद भी इस जीवन नूं बहुत वड्डी तादाद विच अजिहे लोग ने जिन्हां नूं कि जानवरां वांग पुलिस नूं हक्कना पैंदा है। ये जीवन की सच्चाई होण करके फिर असीं गाहे बगाहे खुशी लैंदे हां कि किसी ना किसी पुलिस अफसर नूं तुहाडी सेवा दे विच पेश करिए, जिन्हां नूं कि जानकारी होवे कि किवें तुसीं बच सकते हो, तुहानूं पुलिस ना हक्की फिरे, हाँ जी किहड़ियां किहड़ियां उह सावधानियां ने तुसीं वरत सकते हो। असीं एक बार फिर खुशी लै रहे हैं यॉर्क रीजनल पुलिस तो सार्जेंट पॉल चांग उन्हां नूं प्रोग्राम च पेश करन दी। पॉल जी स्वागत है, बहुत मेहरबानी कि तुसीं आए हो। ये पॉल चांग 2008 तो लगातार हैं जी, 5 साल हो गए ने जदों भी असीं इन्हां नूं बेनती करदे हां तो प्रोग्राम दे विच हमेशा आउंदे ने बड़ी खुशी दे नाल। 5वीं वार हैं जी यॉर्क रीजनल पुलिस दे सहयोग दे नाल असीं ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, तो 4थी बार पॉल चांग साडे मेहमान हन। पाकिस्तान दे विच इन्हां दा जन्म होया सी, सो तुसीं इतना प्रोग्राम को सहयोग देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। सो सबसे पहले आपसे हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि ये आपने इंटरनेशनल डे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सिलसिले में मनाना है, यॉर्क रीजनल पुलिस का ये बहुत बड़ा उपराला है। बताइए इस दिन के बारे में कि क्यों मना रहे हैं।
ये हम लोग बना रहे हैं, वजह यह है कि 1960 में साउथ अफ्रीका में 69 लोग पुलिस ने गोली चला के उनको मार दिए थे जी। तो उस वजह से हम लोग ये इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मौके के लिए हम लोग ये कर रहे हैं और ये हमारा है 11वां साल अच्छा ये जो होस्ट कर रहा है ये इवेंट को। और इस इवेंट में हमारा कोई 700 से 1000 लोग शामिल होते हैं। अच्छा जी। तो इसमें मतलब हमारा ख्वाहिश है कि सब लोग आके इकट्ठे एक आवाज़ से हम लोग डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट कराएं। अच्छा, तो इस वजह से हम ये करते हैं। अच्छा, 11 साल से पॉल जी ये प्रोग्राम हो रहा है क्योंकि आपका जो यॉर्क रीजन है इसमें बहुत बड़ा एक एरिया है, क्राइम दूसरे एरियाज़ के अगर कंपैरिजन करना हो तो बेशक कम है, बट फिर भी ये 11 साल से आप मना रहे हैं, इसका कितना फ़ायदा हो रहा है? इसमें बहुत फ़ायदा हमारे लिए, वजह यह है कि यॉर्क रीजन में अगर आप पूरा कनाडा में देखें ना, हमारा क्राइम रेट इज़ द लोवेस्ट पूरे कनाडा में। अच्छा जी। फॉर यॉर्क रीजन, राइट। और दूसरी यह है कि यॉर्क रीजन में जो जो हमारा एक शहर जो है, जो मार्कम सिटी जो है, पूरा कनाडा में सबसे डाइवर्स शहर है पूरे कनाडा में, जहाँ पे 65% लोग कनाडा पे पैदा नहीं हुए। ठीक है जी। सो ये सो ठीक है जी, इसीलिए शायद फिर इस प्रोग्राम को आपने जो ये 7 अप्रैल को एतवार को होगा इसको मार्कम में रखा है। हाँ जी। तो और ये है हमारा शुरू हो रहा है 11 बजे सुबह से लेके दोपहर की 3 बजे तक। उसमें लंच होंगे, शोज़ होंगे और मुख्तलिफ किस्म के बूथ के जहाँ लोग आके इन्फॉर्मेशन पास के कि जो चाहे उनके लिए। फिर लंच के साथ भी एक डोर प्राइज भी चल रहा है और डोर प्राइज में खासा गिफ्ट हम लोग दे रहे हैं लोगों को, और जो हमारा मेन प्राइस है एक 50-inch फ्लैट स्क्रीन टीवी भी हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, वो टीवी आने वाले लोग जो हैं जीत सकते हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है आपने डांस का, भंगड़े का, म्यूज़िक का काफ़ी इंतज़ाम किया है। हाँ जी, उसमें सभी लोगों को थोड़ा मौका मिलेगा, डाइवर्स। हाँ जी, हाँ जी, को हर किस्म का मतलब हमारा हम लोग की यह ख्वाहिश है ना कि हमारे जो इवेंट है पूरा दुनिया को रिप्रेजेंट करें। ठीक है। और ये वजह है करने के लिए एलिमिनेट कराना डिस्क्रिमिनेशन जो जो कनाडा में है, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन, और हमारा ख्वाहिश है कि उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। ठीक है जी। तो ये देख रहे जी साडे दर्शक, ये प्रोग्राम होएगा इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यॉर्क रीजनल पुलिस ने इनवाइट किया, तुसी सारे पहुँच सकते हो। एतवार है 7 अप्रैल नूं 11 बजे तो लैके 3 बजे तक मार्कम विखे प्रोग्राम होएगा, ईवेंट सेंटर, मार्कम ईवेंट सेंटर दे विच, जो कि इस प्रोग्राम दे विच जे तुसी शामिल होना है, होर जानकारी प्राप्त करनी है, तुसी वॉलंटियरिंग करना चाहते हो तो जरूर यॉर्क रीजनल पुलिस की जो वैबसाइट है yrp.ca उस पर भी जा सकते हो। जानकारी के लिए कोई और भी तरीका है अगर लेने हो तो? अगर उनको डायरेक्टली मुझे फ़ोन करना है वो भी फ़ोन कर सकते हैं, और ये इवेंट भी फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसमें, इसका कोई टिकट नहीं है। हाँ, कोई टिकट नहीं है, फ्री है जी। सो पहुँच सकते हो जी इस प्रोग्राम पर, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की ये शिकायत तकरीबन बहुत वड्डी तादाद दे विच वैसे लोग करते हैं कनेडा दे विच आके, भावें कि आपो अपने देशों दे विच रह के असी आपस में ही जात पात ते होर कई तरह के हैं जी, भ्रिष्टाचार, पैसे दे के नौकरी लैनी, दूसरे योग्यता प्राप्त व्यक्ति को पिछे छड़ना, वह भी तो डिस्क्रिमिनेशन ही है जिहड़ा कि असी अचेत रूप दे विच करी जाने हैं। पर इत्थे आके जदों सानू डिस्क्रिमिनेशन किसी ना किसी रूप दे विच पता लगता जी, हाँ जी, हो रहा, तो फिर सानू पता लगता कि डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन कि अपने मुल्कां दे विच रहिंदे आप, अपने सभ्याचारां दे विच असी किस तरह एक दूसरे नाल ही डिस्क्रिमिनेशन करी जाने हैं, उहदे प्रति असी ध्यान नहीं धरदे। पर फिर भी बताएं थोड़ा कि पुलिस में डिस्क्रिमिनेशन है? पुलिस के अंदर यॉर्क रीजन, मैं यॉर्क रीजन पुलिस में काम कर रहा हूँ सिंस 1999 से। अच्छा जी। और हमें खास कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं मेरे खिलाफ। तो मतलब हमारा जो पॉलिसी है ना कि सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं पुलिस में, हमारा काम यह कि लोगों को मदद करना। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं। ठीक है जी। ये लो जी, बहुत बड़ी पुलिस सर्विस है यॉर्क रीजनल पुलिस, 1600 तो ज़्यादा पुलिस ऑफिसर इस दे विच काम करते हैं, वड्डी तादाद दे विच पंजाबी पुलिस ऑफिसर भी ने, और पॉल चांग लंबे समय तो यॉर्क रीजनल पुलिस दे विच हन, होर कई सारिया पुलिस सर्विसज दे विच पहला ड्यूटी कर चुके ने। सो अज के प्रोग्राम दे विच मौजूद ने, इन्हां दे नाल असीं खास तौर पर थोड़ा जिहा जिक्र ये भी करना चाहते हैं कि राइड प्रोग्राम, हाँ जी, साल दे विच पुलिस जो है वक् वक् समयां ते चलाउंदी रहिंदी है, और उन्हां समयां दे दौरान वड्डी गिणती दे विच पता यह लगता जी कि शराब पी के गड्डी चलाउंदे फड़े गए ने, तेज़ रफ्तार ते गड्डी चलाउंदे फड़े गए ने, हाँ जी, सीट बैल्ट नहीं सी लगाई हुई तां फड़े गए ने, जां हाँ जी होर कोई आवाजाई के नियमों की उलंघना कर रहे थे तो उन्होंने टिकट मिल गया।
पर एक पासे जदों आपां लाइसेंस लैंदे आ उस वेले एक तरीके नाल लाइसेंस लैण दे वेले जिहड़ी ट्रेनिंग मिलती है मतलब तो उहदा इही हुंदा कि असीं ठीक तरीके नाल गड्डी चलावांगे, पर उह लाइसेंस हासिल करन तों बाद किवें वड्डी तादाद दे विच लोक आवाजाई दे नियमां दी उलंघना करदे फड़े जांदे ने अपने आप दे विच कमाल दी गल है। सो राइड प्रोग्राम जो लास्ट वीक भी चलाया गया था, यॉर्क रीजन में भी चला था, पॉल जी बताइए कि कैसा रहा वो, शराबी की गाड़ी चला रहे थे लोग? लास्ट वीक था हमारा सेंट पैट्रिक डे की जो ओकेजन था, तो यॉर्क रीजन में लास्ट वीकेंड को सिर्फ सेंट पैट्रिक डे का वीकेंड को हमने 23 लोग को अरेस्ट किया। अच्छा, ड्रंक ड्राइविंग के लिए। अच्छा जी, तो ये तो बहुत हाई नंबर है हमारे लिए भी। 23 लोग को आपने अरेस्ट किया? अरेस्ट किया था ड्रंक ड्राइविंग के लिए, सिर्फ यॉर्क रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, और हमारे जो यॉर्क रीजन का जो राइड प्रोग्राम है ये अराउंड प्रोग्राम चलता है, हम लोग सिर्फ क्रिसमस टाइम पर नहीं करता, मतलब पूरी साल चलते रहता है वो। तो मतलब हम लोग भी इतला करते नहीं कि भाई कहाँ कर रहा है, जहाँ भी मर्जी हम लोग सेटअप कर लेते हैं उसको। पॉल जी, ऐसा है जो लोग बहुत बड़ी तादाद में ना, लोगों को ये मन में रहता है कि जी हम पकड़े भी जाएंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, पुलिस यहाँ पे क्या करती है, अदालतें क्या करती हैं, एक रात अंदर जाओ अगले दिन छोड़ देते हैं। लेकिन कि जब समय गुजरता है फिर उनको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि बहुत कुछ वो कर सकते हैं और करते भी हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी, ये क्या करते हैं हमारा, हैं जी कुछ नहीं हमारा कर सकते, उनको कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, ये जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बहुत सीरियस ऑफेंस है हमारा कनाडा में। जो लोग ड्रंक ड्राइविंग करते हैं ना, कि हमारे जो कनाडा, पूरी कनाडा में जो स्टेटिस्टिक है, हर रोज़ाना अच्छा 4 लोग मरते हैं ड्रंक ड्राइविंग से पूरी कनाडा में। अच्छा, तो ये बहुत सीरियस चीज़ हमारा, मतलब जो हाईएस्ट फैटेलिटी है इवन मर्डर रेट में, मतलब बंदूक के साथ जो कत्ल वो कम है जितने ड्रंक ड्राइविंग ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ड्रंक ड्राइवर में फर्ज करो ड्रंक ड्राइविंग करते हुए बंदा पकड़ा गया, क्या क्या कंसिक्वेंसेज हैं उसकी, गड्डी लाइसेंस इम्पाउंड होगा, वो जेल में जाएगा, फाइन होगा, थोड़ा बताएंगे क्या क्या? हाँ जी, हाँ जी, तो अगर फर्स्ट टाइम किसी को पकड़ लेते हैं ड्रंक ड्राइविंग के लिए, राइट अवे उनका गाड़ी टो हो जाती है। अच्छा जी, टो हो गया मतलब कि आपको जो ड्राइवर गाड़ी की जो ओनर है उनको पे करना है पैसा, $300 हो या $500 हो, टो चार्ज पे करनी है। अच्छा जी, और लाइसेंस राइट अवे 90 days के लिए वो सीज हो जाती है, लाइसेंस वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे वापस दे देते हैं हम लोग। तो 90 days के लिए आपके पास लाइसेंस है नहीं। आप अगर गाड़ी चाहिए चलाने के लिए, कि मतलब अगर आप टैक्सी ड्राइवर हो या आपको गाड़ी चाहिए काम के लिए या जॉब पे जानी हो, तो 90 days के लिए आपके पास लाइसेंस भी नहीं है ना गाड़ी है आपके पास। अच्छा जी, राइट, गाड़ी वो भी ले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप जब कोर्ट जाएँ, आजकल हमने कभी मतलब क्रिमिनल कोर्ट में खुद जा नहीं चुका हूँ, मगर मेरा ये खबर आई है कि मतलब डिफेंस लॉयर आजकल चार्ज करती है फॉर इम्पेयर्ड की चार्ज के लिए $10,000 से $14,000 चार्ज करता है, उसका फीस है सिर्फ वकील की, वकील की, लॉयर की, डिफेंस लॉयर के लिए। तो ये 10,000-14,000 सिर्फ आपको वकील को वो फीस पे करनी है। अगर आप आखिरी में कन्विक्ट भी हो जाए, तो फर्स्ट टाइम जो कन्विक्शन है $1,000 फाइन है और 1 year लाइसेंस सस्पेंशन। अच्छा जी, तो 1 साल के लिए कन्विक्शन के बाद। मगर जब कन्विक्शन होने की बात है ना, ये कैनेडा में जो इंश्योरेंस कंपनी, कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगी गाड़ी की इंश्योरेंस। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये रहता है जी कि मैंने शराब ही पी थी, मैंने हादसा एक्सीडेंट तो कोई किया नहीं, क्राइम तो कोई हुआ नहीं, तो मुझे सजा किस बात की मिल गई, उनको कुछ समझाएंगे थोड़ा? हाँ, ये ड्रंक ड्राइविंग है ना, उनको ये लोग कहलाता है इस विक्टिमलेस क्राइम। अच्छा, ये लोग क्योंकि कोई मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, मगर ये देखें ना कि विक्टिमलेस क्राइम के बावजूद हर रोज़ 4 लोग मरते हैं कैनेडा के अंदर। ठीक है जी, तो है इसमें विक्टिम तो ज़रूर है। अगर आज आपने किसी को मारा नहीं, कल पता ना खासा आप किसी को मारे, किसी का पूरा मतलब फैमिली आप बर्बाद कर दे एक गाड़ी का एक्सीडेंट में। ठीक है, तो बेहतर यह कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो बेहतर है आप टैक्सी लेके घर जाए। टैक्सी में कितना $40-50 खर्च होता है। अगर आप जेल में जाए तो वकील को कितना हज़ार देना पड़ता है आपको। ठीक है जी, लेकिन कि एक माल की बात यह है चांग जी कि देखो कितने लोग पकड़े जा रहे हैं और पुलिस कितने सालों से लगी हुई है ये मैसेज देने के लिए कि भैया आप ड्रिंक और ड्राइव मत करो, लेकिन ये मैसेज लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रॉब्लम ये है ना हमारा यहाँ मीडिया की प्रॉब्लम। अच्छा, मीडिया में ये था ना कि आप जब भी आप कोई कमर्शियल देखें, जो शराब का जो कमर्शियल है, जैसा वाटका की कमर्शियल चल रही है या विस्की की कमर्शियल चल रहा है, ये नौजवान लोग दिखाते हैं, सब लोग ऐश कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, शराब बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसी वजह से लोग पीते हैं। और जब लोग जाते हैं किसी बार में या किसी महफिल में जाते हैं तो दोस्त पी रहे हैं, फिर वो सब इकट्ठे पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो इसी वजह से ना लोग कैरी ओवर हो जाता है, लोग सोचते नहीं है कॉन्सिक्वेंस उस वक्त। सब लोग मतलब जो हैव फन कर रहे हैं, उसके बाद जब पीने के बाद फिर उनको
ख्याल आता है कि उनको अभी घर जानी है, वो जब उस शराब पीने के बाद होश में नहीं होते आदमी, तो मतलब अभी गाड़ी चलाए ना ना चलाए, यूजली गाड़ी लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, और वजह से ये ना कि एक्सीडेंट जरूर होता है इसमें। चलो जी, फिर सावधानी वरतन की है लोड़। पॉल चांग जी दस रहे हैं कि किन्ने गंभीर सिट्टे तुहानू भुगतने पै सकते हैं जे तुसी शराब पी के गड्डी चलाउंदे हो, ते जां फिर गाड़ी नहीं भी चलाई तो गाड़ी में बैठे हो शराब पी के फिर भी टिकट मिलता है। हाँ, अगर आप नशे में हैं और गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी का चाबी भी साथ हो, इवन आप पार्किंग लॉट में हो या अपना ड्राइवर में भी हो, कैनेडा में इस क्रिमिनल ऑफेंस, अच्छा, कहता है कि केयर एंड कंट्रोल ऑफ अ मोटर व्हीकल, ये है द क्राइम, अच्छा, द चार्ज इज कॉल्ड केयर एंड कंट्रोल ऑफ अ मोटर व्हीकल, आप शराब पी के भी। अच्छा, अगर गाड़ी में, कई लोगों को होता है जी कि मेरे आगे गाड़ी में शराब नहीं पड़ी होनी चाहिए, पीछे डिग्गी में पड़ी हो तो कोई बात नहीं, इसका भी कोई कॉशन है कि कैसे? हाँ, अगर गाड़ी के अंदर शराब हो और आपने शराब नहीं पिया हो, हाँ जी, इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट्स अ लिकर लाइसेंस ऑफेंस। अच्छा जी, तो उसमें सिर्फ मतलब $150 की टिकट होती है, आपको $150, जैसे आपको ट्रैफिक टिकट मिल रहा हो ना सीट बेल्ट के लिए या स्पीडिंग के लिए, वही टिकट मिलते हैं आपको। ठीक है जी, तो शराब पीने से तो पुलिस नहीं रोक रही है, पुलिस सिर्फ यही कह रही है कि आप भाई शराब पी है तो गाड़ी मत चलाओ, है जी। तो लेकिन आपने इतने लोगों को पकड़ा एक वीकेंड पे, आपने 28 लोगों को अरेस्ट किया, क्या आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लग रहा है कि लोग जानबूझकर पीते हैं, उनको पता होता है कंसिक्वेंसेस का, जहाँ पकड़े जाने के बाद वो कहते हैं कि जी हमको अगर पता होता तो हम ऐसा कभी ना करते? नहीं, आजकल लोग को सबको पता है कि ड्रंक ड्राइविंग कानून के खिलाफ है, अच्छा, मगर फिर भी लोग जब पीने लगते हैं ना तो सोचते नहीं है। जब आदमी जब होश में होता है ना, उनको पता कानून क्या है, मगर जब पीने के बाद फिर उनको होश नहीं होता कि कानून है की मार क्या पड़ेगी। ठीक है जी, तो लो जी, फिर तुसी जरूर इन्हां नाल गल करन दा सी, तुहानू मौका देंगे अगे चल के 647-776-2620 टैलीफोन नंबर ते तुसी संपर्क करना है, और जो रेडियो सुरसागर दा दिन दे टाइम टैलीफोन हुंदा प्रोग्रामां दे विच ओह ते नहीं चलदा, इस लाइव प्रोग्राम दे विच तुसी शामिल होना, ते उस दे लई विशेष टैलीफोन नंबर जो स्क्रीन ते साडे एसएस टैलीविजन दे दर्शक देख रहे ना, इस ते तुसी कॉल करनी है 6477762620, ते रेडियो सुरसागर दे स्रोते जरूर इस नंबर नूं नोट कर लेणगे। सो स्टूडियो वाले प्रोग्राम दे जो टैलीफोन आ उहदे विच तुसी कॉल ना करना जी, इस प्रोग्राम दे विच शामिल होना। सारियां लाइनां ते तुसी आ गए हो, वैसे असीं तुहानूं जरूर मौका दिंदे हां अगे चल के। चांग जी, ये बताइए कि जो अभी ना काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या बहुत बड़ी है, ख़ास तौर पर हम पील में ही देख रहे हैं कि किसी ने अपनी बहन को मार दिया, भाभी को मार दिया, सस को मार दिया, माँ को मार दिया, इस तरह के केस अदालत में बहुत है। आए तो बिना शक बहुत कोई चंगा जीवन जीवन के वास्ते सिगे, पर कई बार इतने अदालती फाइलों देख के लगता है कि योजे गंभीर मामले तो साढ़े उत्तर पंजाबियों से पंजाब भी अदालतों नहीं चल रहे होंगे, जो कि असी कनेडा आके चंद चाड़े हुए हैं, आए तो अच्छा जीवन जीवन वास्ते असी की करना आए सी, तो असं की कर रहे हैं। सो ये डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या कितनी गंभीर है? डोमेस्टिक वायलेंस तो खासा होता है हमारा योग रीजन में भी, अच्छा, बट लोग को ये पता नहीं कि जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जब पुलिस को इतला कर लेता है, पुलिस शामिल होता है घर के अंदर, यहाँ पे ऑन्टेरियो में कानून बनी हुई है कि पुलिस को अरेस्ट करना ज़रूरी है। अच्छा जी, इवन अगर फर्ज कीजिए भाई ने भाई को मारा और भाई ने कहा कि नहीं मुझे चार्ज नहीं करना है उसको, मगर फिर भी पुलिस को अरेस्ट करना है और पुलिस को चार्ज करना कि यहाँ का असूल यह है कि यू हैव टू अरेस्ट एंड यू हैव टू चार्ज। इवन अगर विक्टिम कह रहा है कि भाई नहीं चार्ज ना करे, अच्छा, या उसे हस्बैंड ने वाइफ को मारा या वाइफ ने हस्बैंड को मारा, वी हैव टू अरेस्ट एंड वी हैव टू चार्ज। कई बार हमारे लोग क्योंकि जैसे हमारे मुल्कों में चलता है पुलिस का काम, उसके आदि होते हैं, और कनाडा में भी चाहते हैं, आते तो बेहतर जीवन की खोज में हैं जी, यहाँ अच्छा रहना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि माहौल वहाँ वाला मिले, वहाँ वाला माहौल मिलेगा तो फिर जीवन भी वहाँ वाला ही मिलेगा। लोगों को ये लगता रहता है कि अगर 911 पे कॉल हुआ तो औरत के, लेडीज़ के अख्तियार ज़्यादा हैं, जो पुलिस है वो लेडीज़ की बात सुनती है, जब लेकिन के समझने वाली तो पॉल चांग जी वो बात ये है कि पुलिस विक्टिम की बात सुनती है, वो आदमी भी हो सकता है औरत भी हो सकती है। लोगों के मन में ये क्यों है कि यहाँ कनाडा का कानून औरत की मदद करता है? नहीं जी, ये तो मन है ऐसा कि मतलब लोग हर वक्त सोचता है कि लेडीज़ की कमज़ोर होता है तो लेडीज़ हर वक्त विक्टिम होता है, मगर मेरा भी एक्सपीरियंस में मैं खुद डोमेस्टिक वायलेंस में जा चुका हूँ जहाँ औरत ने अपना शौहर को छुरी से मारा। अच्छा, एक दफ़ा नहीं 6-7 दफ़ा उसको जिस्म में मतलब छुरी चलाया, तो इसमें
औरत को हम लोग ने अरेस्ट करके लेडी औरत को चार्ज किया एग्रेवेटेड असॉल्ट, क्योंकि वो हस्बैंड को तो भी काफ़ी खून निकला था उसका। अच्छा अच्छा तो इसमें तो डोमेस्टिक वायलेंस में मर्द भी हो सकता है या लेडीज़ भी हो सकता है। सो पुलिस ने तो कार्रवाई जी जो विक्टिम होगा ना है जी उसकी साइड और जो कल्प्रिट होगा उसको चार्ज करना ही करना है, वो लेडी हो या कोई भी हो उसमें वो फ़र्क नहीं करते। पर अब जब विक्टिम ही औरत होगी तो फिर नेचुरली है कि जो कार्रवाई है, बलदेव सिंह मुट्टा जी भी प्रोग्राम में आके दस के गए सके कि है जी जिहड़ा दोषी दोष करेगा वो खिलाफ़ फिर कार्रवाई पुलिस ने करनी है। तो जे हुण दोषी है जी दोष बंदे ने किया उहदे ते औरत लगवा रही है, हाँ जी तो सामने दिस भी रहा है। लेकिन के बहुत बार चांग जी पॉल जी हमारे जो है ना लोग ये कहते हैं कि जब कॉल हो गई ना दो तीन गड्डियाँ एकदम आ जाती हैं पुलिस की, हाँ जी जबकि एक ही आनी चाहिए। तो जहाँ का जो पुलिस का नॉर्म है वो तो उस तरीके से काम करेगी, हम कनेडा में आए हुए हैं तो पंजाब पुलिस की तरह तो यहाँ की पुलिस काम नहीं ना करेगी। तो वो सोचते हैं कि तीन गाड़ियाँ दो गाड़ियाँ क्यों आती हैं, बताएंगे? यहाँ का जो उसूल है ऑफिसर सेफ्टी, हाँ जी ऑफिसर सेफ्टी की बात यह ना कि डोमेस्टिक वायलेंस जो जब किसी घर में डोमेस्टिक होती है ना तो डोमेस्टिक इट्स वायलेंट ऑफेंस, तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ने किसी को मारा, ठीक है, क्या हाथ से मारा हो या छुरी से मारा हो या बल्ले से मारा हो, तो पुलिस वाला एक पुलिस वाला कभी नहीं जाते, ऑलवेज दो जाते हैं, क्योंकि दो के वजह से ये ना कि ऑफिसर सेफ्टी की वजह से। अच्छा जी राइट, तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑफिसर जो ड्यूटी पे आए और जब शिफ्ट ख़त्म हो वो एक पीस में वो घर भी जाए। अच्छा इतना देखो आपको लंबा अरसा हो गया पुलिस में, क्यों हमारे लोगों की पुलिस की तरफ सिर्फ शिकायतें ही रहती हैं कि जी पुलिस को ये काम करना चाहिए? हम उनको यहाँ पे आके एडवाइस कर रहे हैं जी, आए तो यहाँ पे थे कि यहाँ पे अच्छा माहौल है जी, कानून का राज है जी, हमको अच्छा जीवन मिलेगा जी। यहाँ आते ही हम अपने उनको एडवाइस देने लगते हैं कि हमको ज़्यादा पता है, इन लोगों को जिन्होंने ये मुल्क अच्छा बनाया उनको कुछ नहीं पता। सो लोगों को क्यों लगता रहता है कि पुलिस ज्यादती कर रही है? जी देखें, हम इस मामले में ये कह सकते हैं कि अगर आप एज अ सिटीजन और आपने कोई गलत काम नहीं किया ना, हाँ जी, आपको पुलिस से डर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इस कनाडा में ह्यूमन राइट्स बहुत है, बहुत स्ट्रांग चीज़ है। ह्यूमन राइट्स की वजह यह कि हर इंसान को यहाँ हक है, राइट्स है, कि पुलिस फॉर नो रीज़न एट ऑल आपको हरास नहीं कर सकता। अगर आपको किसी पुलिस वाले ने अगर फॉर नो रीज़न आपको टिकट दे या हैसल करे, आप उनको जाकर खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। आप थाने में जाके एक सार्जेंट से बात कीजिए या स्टाफ सार्जेंट से बात करके उनका इस पुलिस वाले के खिलाफ आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। बहुत बार होता है कि हमारे जो ट्रक वाले हैं या टैक्सी वाले हैं या वैसे भी कोई ड्राइवर लोग को कभी स्टॉप किया जाता है तो वो लोग कंप्लेंट करते हैं जी पुलिस वाले ने मेरे से अच्छी तरह मेरे से बातचीत नहीं की, मेरे को पकड़ा, मेरे को दबकाया, मेरे साथ गलत लैंग्वेज यूज़ करी। सो बिना वजह के पुलिस ऐसे करते हैं, पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं? इंसानियत में तो हर किस्म का लोग मिलते हैं। अब बेस्ट चीज़ मैं आपको जो ऑडियंस का मैं आप कह सकता हूँ ना कि अगर किसी पुलिस से आपके पास कोई कंप्लेन हो, एक चीज़ ज़रूर याद कीजिए, पुलिस का नाम चाहिए और पुलिस ऑफिसर का बैच नंबर चाहिए। अच्छा जी, ये दो चीज़ ज़रूरी है। और क्योंकि हमारा जो GTA में इतने सारे पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जैसे पीएल रीजन पुलिस है, टोरंटो पुलिस है, यॉर्क रीजनल पुलिस है, तो अगर आपको पता नहीं है वो कौन सा पुलिस डिपार्टमेंट वाली है ना, तो ज़रूर हर पुलिस का ये जो ये साइड में ये लगी हुई है कि किस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वो काम कर रहा है। जैसे मैं काम करता हूँ यॉर्क रीजन के लिए, तो हमारा यॉर्क रीजन का ये लगी हुई है, ठीक है, और हमारा जो बैज नंबर है मेरा शोल्डर पर लगी हुई है। तो अगर जो ड्राइवर हो या सिटीजन हो उनको कंप्लेन करनी है तो ये चाहिए, उनको बैज नंबर चाहिए और कौन सी पुलिस वाला, और कोई भी पुलिस स्टेशन जाकर वो कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेंट के प्रोसेस में कई बार लोगों का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सोचते हैं कंप्लेंट करेंगे भी तो इसका कुछ होगा नहीं, पुलिस वाले के हाँ जी साइड ही ली जाएगी, ऐसा होता है? नहीं, हमारा यहाँ ऑन्टेरियो में इंडिपेंडेंट सिविलियन कंप्लेन डिपार्टमेंट है जो पुलिस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो कंप्लेन जाती है उधर। अच्छा, तो फिर वो इंडिपेंडेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है? हाँ, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। अगर जहाँ पे किसी सिटीजन को मतलब कोई जख्मी नहीं हुआ, अगर कोई सिटीजन पुलिस की अरेस्ट में या पुलिस की इंटरेक्शन में कोई उनको जख्मी हो, फिर वो SIU उसके लिए अलग यूनिट है उसमें भी। लेकिन रिपोर्ट्स मीडिया वगैरह में पॉल जी यही आती रहती हैं कि पुलिस ऑफिसर्स के साइड में ही उनका डिसीजन जाता है, इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं? हमने कभी SIU के साथ डीलिंग मैंने किया नहीं। अच्छा। मगर ये है मतलब कि एविडेंस पेश करता है कोर्ट में और उनका पास ये जिस एविडेंस उनको मिलता है उसी एविडेंस से वो लोग चलते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में ये हो चुका है जो SIU ने भी पुलिस वाले को चार्ज किया कर चुका है। हाँ जी, अभी जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने गलती किया
जान बुझ के गलती किया, फिर भी वो पुलिस को चार्ज करते हैं यहाँ। ठीक है जी। सो हर एक पुलिस ऑफिसर किसी रूल्स के अंडर काम करता है, सो उस रूल्स के अंडर जे वो नियमों को फॉलो करते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहा है तो फाइन, लेकिन उन्हें रूल्स की जे कितने वायोलेशन होंगी है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लग जाए तो फिर कुदरती तौर पर एक पुलिस ऑफिसर भी यहोजी इन्वेस्टिगेशन के जी काफ़ी सारे ट्रबल के आ जाते हैं। तो साढ़े अज के प्रोग्राम के पॉल चांग जे कि यॉर्क रीजनल पुलिस तो हैं, तुहाडे सवालों के जवाब भी ये दे सकते हैं, तुसी जरूर इन्हों पुछ सकते हो। तो असी काफ़ी सारे मुद्दों पर अगे चल के प्रोग्राम के इन्हों के नाल गलबात करते भी रहना, तुसी साढ़े कोल हो सारिया लाइना तो असं थोड़े देख देखते हैं कि तुहाडे की सवाल ने जी। सत श्री अकाल सुर सागर जी, हैलो, अगे चलिए जी, तुसी जे होल्ड करके उरे परे हो गए हो तो। हैलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी भाई साहब सतपाल जी ते ऑफिसर साहब चाल जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आज दा प्रोग्राम अवेयरनेस वास्ते बहुत शलाघा योग है। थैंक यू जी, मेहरबानी। ते मेरा एक मतलब अपना क्वेश्चन हैगा कि विंटर टाइम दे विच जिहड़े कन्वीनियंस स्टोर है या कॉफी शॉप है इन्हां दे मोहरे मतलब एक हैंडीकैप वालिया दी पार्किंगां हुंदियां हैगियां। हां जी। ओ दीवार दे उत्ते कोई साइन नहीं हुंदा लेकिन फ्लोर ते हैंडीकैप दा साइन जरूर हुंदे आ। जदों स्नो विंटर टाइम स्नो पै जांदी आ मतलब लाइटली ते उत्थे मतलब बहुते तुसीं किसे वी एरिया च नवें जांदे हो तां तुसीं देखदे हो कि पार्क खाली आ ते तुसीं उत्थे पार्क कर दिंदे हो, उत्थे फ्रंट दे उत्ते हुंदा। जदों अंदर जांदे हो तां सानूं मेरा इह होया सीगा ते उन्हां ने कहा, मैं कहा वी आ स्नो पई इत्थे दिखाई ते किसे नूं दे रही, कोई बॉल ते साइन नहीं हैगा ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਵਾਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲੋ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਫਿੰਚ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਹੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਇਨਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਸਾਈਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਪੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾ ਜਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤੋ ਵੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਜੋ ਹੈ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਬੜੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦੀ ਔਰ ਇਨਕੋ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਟਿਕਟ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? बेहतर ये होगा ना अगर साइन नहीं होते ना वहाँ, अगर उनके पास कैमरा हो, कैमरा से एक तस्वीर खींच के अच्छा और ये टिकट को कोर्ट पे ले जाए। अच्छा जी। ये हर टिकट को अगर आप कभी भी कोई भी टिकट मिलता है आपको चैलेंज करना चाहे ना तो आपके पास ये है हक कैनेडा में कि आपके कोर्ट जाके उसको चैलेंज कर सकता है। अगर आपने फोटो खींचे, फोटो में टाइम स्टैम्प होता है ना आजकल कैमरा में टाइम स्टैम्प डिजिटल फोटो लेके तो आप कोर्ट पहुंच जाए, फिर उनको बोले भाई मैंने यहाँ पार्क की गाड़ी मगर यहाँ पे साइन नहीं था, यहाँ असूल यह है वो हैंडीकैप जमीन में साइन ज़रूरी है और फ्रंट में भी इरेक्ट साइन भी ज़रूरी है, दो चीज़ ज़रूरी चाहिए उनको ठीक है हैंडीकैप साइन बनाने के लिए। और दूसरा ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग हैं जी अलग अलग देशों से आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से ज़िंदगी तो अच्छी चाहते हैं लेकिन कि बहुत बार कानून के अंदर वो खुद नहीं रहते हैं। बहुत सारे प्लाजाज में जाके देखो कि पार्किंग लॉट खाली पड़ी है लेकिन कि उन्होंने गाड़ी लगानी है जहाँ पे मेन एंट्रेंस है ना, रास्ते में गाड़ी लगा के वो सामान खरीदने जाएंगे जहाँ फिर आराम से एक बंदा बैठा है गाड़ी में हैं जी, और बाकी जो आने जाने वाली ट्रैफिक है वो आ जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। सो इस स्थिति में जो ये पैदा हो रही है हमारे टोरंटो एरिया में, बहुत सारे और दूसरे एरियाज़ में भी जहाँ इमिग्रेंट हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आ रही है जहाँ पर इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप बेचक यॉर्क में चले जाओ, पील में चले जाओ, टोरंटो में चले जाओ, आपको देखने को मिलता है कि पार्किंग लॉट खाली पड़ी है प्लाजा की और मेन एंट्रेंस के पास नज़दीक से नज़दीक गलत जो है लोग गाड़ियां पार्क करने की उनकी हैबिट होती जा रही है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मेन चीज़ है ये सबसे फ्रस्ट्रेशन सबके लिए, यह फ्रस्ट्रेशन है कि लोग बाय नेचर सुस्ती लोग होते हैं, लोग सुस्ती होते हैं और लोग को चलना नहीं चाहता है, यहाँ इस कैनेडा में भी ठंड होता है, ठंड की वजह से भी लोग चलने नहीं चाहते, मगर ये शॉपिंग प्लाजा में ये सब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जब तक वो जो
प्रॉपर्टी की ओनर और जो शॉपकीपर या दुकान की जो ओनर हो ना, उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं करके कंप्लेन ना करें ना, तो पुलिस कुछ नहीं करते। अच्छा, अनलेस ये रोड पे करे फिर वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी पे होता है ना तो पुलिस में वो उसका वो नहीं बनता, अनलेस वो ओनर कॉल करे बोले ये बंदा ये मसला कर रहा है। अच्छा, फिर पुलिस आके उनको मूव कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए गलत जगह के पार्किंग करके, हैं जी बंदा चला गया उस गाड़ी खड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या होगा? ये भी अगेन प्राइवेट प्रॉपर्टी में पुलिस चार्ज नहीं करते। अच्छा, क्योंकि ये हाईवे पे नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो एक्सीडेंट होते हैं तो आप आजकल नो फॉल्ट इंश्योरेंस जो चल रहा है ऑन्टेरियो में, अच्छा, तो आप अपना इंश्योरेंस कंपनी आपका गाड़ी को फिक्स करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, तो लो जी फिर असं अगे चलते हैं प्रोग्राम के 647-7726-26 टेलीफोन नंबर से तुम आ रहे हो। सुर सागर जी, हैलो हैलो wife got upset and he kicked him out and he had no place to go and he's sitting in the car. So I don't see why police should charge him. And number two, violence, family violence, the jank sab jo jo si gal karde ho. And recently a survey came up that in India 30,000 men committed suicide who were betrayed or by targeted by the ladies, women. As compared to that, 15,000 women committed suicide jinano bandeyan ne tang kita ja bandeyan di jehdi ziyadati di wajah karke. So bandeyan de marn di jehdi ratio hai ladies nalon double hai, to phir vi bandeyan nu kyon hamesha hi blame kita janda ke oh bande ziyadati karde ne? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ? सुसाइड के लिए, हाँ जी, इन्होंने बोला कि जो आदमी लोग हैं वो सुसाइड 30,000 सुसाइड ना, तो शायद उसकी वजह ये हो कि फिर आदमियों पे औरतों का तशद्दुद ज़्यादा होता है। सुसाइड का तो हमें पता नहीं है, और ये जो आपका जो ऑडियंस जो कह रहा है वो भी इंडिया के सुसाइड की बात कर रहा है। इंडिया की, हमारा पास तो स्टेटिस्टिक तो है नहीं इंडिया के लिए भी ना कैनेडा के स्टेटिस्टिक है कि सुसाइड क्यों होता है लोग से, तो उस पर तो हम टच नहीं करते। जो वो कह रहे थे अबाउट जब शराब पी के गाड़ी अपना गाड़ी में बैठा हुए हैं अपना ड्राइवे पे, अगर गाड़ी का चाबी उनके साथ होना, अच्छा, फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है। अगर उन्होंने मतलब वो कह रहे थे कि वाइफ ने उनको घर से निकाल दिया, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और थोड़ा सा शराब पिया हुआ है, अगर गाड़ी का चाबी घर के अंदर हो और वो सिर्फ गाड़ी में बैठे हुए शराब पीने के बाद, फिर वो कानून के ख़िलाफ़ नहीं होता। पर देखो पॉल जी, इनका पॉइंट वैसे है कि अगर सर्दी हो इतनी ज़्यादा कि बंदे ने अपने आप को गर्म भी रखना है, गाड़ी उसको स्टार्ट भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर घर में जाओ और कहीं वो नहीं जा सकता, तो उस स्थिति में फिर क्या होना चाहिए? देखिए ना, यहाँ का कानून बना हुआ ऐसा कि वो जो क्राइम जो चार्ज है, क्रिमिनल ऑफेंस जो है ना, उसको कहता है कि केयर एंड कंट्रोल ऑफ अ मोटर व्हीकल। तो वजह यह है कि किसी वक्त भी ये जो बंदा जो गाड़ी में बैठा हुआ है शराब पीने के बाद, गाड़ी चल रही है, उसका एकदम ख्याल आया कि मुझे वॉशरूम जाना है या कहीं और जाना है, वो गाड़ी को ड्राइव में डाल के वो घर से निकल जाए। अच्छा, मतलब टिम हॉर्टन जाए या मैकडॉनल्ड में जाके वॉशरूम इस्तेमाल करना हो, फिर अभी बंदा
ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हैं। ओके, इसी वजह से अगर पुलिस वाला आया और पता एक बंदा मिल के गाड़ी में सो रहा हो और इंजन चल रहा हो, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। अच्छा, कभी कभी हम ये भी लोग कहते हैं जी कि हाँ जी शराब पी के कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, एक बार ही चलाई तो उसी टाइम पे पकड़ा गया, ऐसे कैसे, ये इत्तेफाक होता है जहाँ के, कैसे होता है ये? लक। अच्छा, इत्तेफाक की बात है। हाँ जी, लक और बैड लक की बात है। बैड लक की बात है। ठीक है जी, चलो जी, इन्हें यॉर्क रीजनल पुलिस तो साढ़े को सार्जेंट पॉल चांग अज के प्रोग्राम के थोड़े सवाल भी लै रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, तुम भी प्रोग्राम आ रहे हो। असी ये बड़ी एक कमाल की गल है पॉल जी, कि एक तो जो क्राइम हो गया वो तो कन्विक्शन की बात आ गई, लेकिन इससे पहले प्रिवेंशन की भी बात चलती है कि क्राइम होने से रोका भी जा सकता है। सो इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोशिशें होती हैं? हम लोग क्राइम प्रिवेंशन की प्रोग्राम का खासा करते हैं। जैसा फर्स्ट की हमारे जो हाई स्कूल में एलिमेंट्री स्कूल में जो प्रिवेंशन है स्कूल के लिए, एलिमेंट्री स्कूल में हमारा है स्कूल लिएजॉन ऑफिसर, जहाँ बच्चे लोगों को सिखाते हैं कि क्या क्या नहीं करनी चाहिए, जैसा फायर सेफ्टी है, इंटरनेट सेफ्टी है, ये सब कुछ हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। फिर जब बच्चे लोग जब हाई स्कूल जाते हैं ग्रेड 9, ग्रेड 11, ग्रेड 12 के लिए, फिर उसमें हम लोग का जो हाई स्कूल जो ऑफिसर है दे कॉल स्कूल स्कूल लिएजॉन ऑफिसर, फिर वो भी हाई स्कूल में जाके उसी स्टूडेंट को सिखाते हैं कि भी क्राइम ना कीजिए, ड्रग्स ना इस्तेमाल कीजिए, ये सब कुछ सिखाते हैं। कि हमारी ये कोशिश है, ख्वाहिश है कि ना ये बच्चे जब बड़ा हो हार्ड वर्किंग सिटीजन बने, क्रिमिनल ना बने, तो इसी वजह से हमारा क्राइम रेट भी नीचे जा रहा है। अच्छा, और हमारा जो यॉर्क रीजन में भी एक हम लोगों ने एक कम्युनिटी सेफ्टी विलेज बनाई हुई है स्टोबिल के अंदर। अच्छा, ये सेफ्टी विलेज 7 साल हो गया बने हुए, और हम लोग ने कॉस्ट था $5 मिलियन में बनाया था ये। ठीक है, सारा पैसा डोनेशन में बने और हर साल 25,000 से 30,000 बच्चे इस प्रोग्राम में थ्रू जाते हैं हमारे सेफ्टी विलेज में, जहाँ पे उनको बाइसिकल सेफ्टी, रोड सेफ्टी, फायर सेफ्टी, इंटरनेट सेफ्टी सब कुछ सिखाया जाता है बच्चों को वहाँ से 5 साल की उम्र से लेके 13 साल की उम्र के लिए। अच्छा, ये किड्स के लिए हो गया, टीन्स के लिए हो गया, लेकिन के पेरेंट्स के लिए, सीनियर्स के लिए कोई प्रिवेंशन प्रोग्राम है? हमारे पास यॉर्क रीजन पुलिस में भी सीनियर लिएजॉन ऑफिसर भी है, जो हर सीनियर सिटीजन होम पे जाके सीनियर्स को सेफ्टी सिखाते हैं कि क्या सेफ्टी करनी चाहिए, किस तरीके सेफ्टी करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो फ्रॉड आर्टिस्ट है सीनियर को वो टारगेट करते हैं कि सीनियर से पैसे निकलवाने के लिए। अच्छा, तो एक आपने जो पहले से जो पूछा था, जो ईमेल आती है लोगों से कि भाई आपने $10 मिलियन जीता या $200 मिलियन जीता, आप कोई पैसा मुझे दे, तो मतलब वो फीस दे, $300 या $400 फीस दे, ये सारा मतलब फ्रॉड है। अच्छा, किसी को ऐसी कोई स्कैम वाली ईमेल अगर आती है तो वो बंदा बहुत बार, तो कई बार इतना एजुकेटेड ना हो तो उसको लगता है मैं 300 दे दूँ तो मुझे 10 मिलियन मिल जाएगा, तो वो 300 भी गवा लेता है। लेकिन कि ऐसा ईमेल आए तो वो इससे पहले कि वो कुछ उसको रिस्पॉन्ड करे, उसको क्या करना चाहिए? बेस्ट है कभी ना रिस्पॉन्ड करना, उनको डिलीट कर दें एक। अच्छा, तरीके डिलीट कर दें, या अगर आप चाहे तो पुलिस पे रिपोर्ट लिखवाइए, दोनों कर सकते हैं। मगर ये जो स्कैम, जो इंटरनेट पर ईमेल की जो स्कैम है ना, ये इंटरनेशनल स्कैम है, ये दुनिया भर की स्कैम चलती है, ये पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, ये हम लोग क्राइम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो लोकल क्राइम हो। अभी जब बंदा ने फर्स्ट की यूरोप में बैठ के उन्होंने वहाँ से यूरोप से ये ईमेल भेजा, तो आप हम लोग पुलिस जाते नहीं यूरोप पकड़ने के लिए। ठीक है जी, लेकिन के हुण ये भी नहीं गा कि तुसी यूरोप जा जिथे मर्जी बह के क्राइम करते रहो तुसी फड़े नहीं जाओगे। असी पिछले हफ्ते खबर सांझी कीती सी कि नाइजीरिया से ईमेल भेज रहा था जी, और $70 मिलियन का फ्रॉड उन्होंने जो लॉयर्स और बड़ी बड़ी ला फर्म्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका और कैनेडा में, उस बंदे ने $70 मिलियन का फ्रॉड उनके साथ किया। हाँ जी, और बंदा वो अभी अरेस्ट है, पेंसिल्वेनिया में जेल में है, लगता है उसको कम से कम 20 साल के लिए जाना पड़ेगा, उसने अपने सारे दोष वगैरह मान लिए हैं। सो ऐसा भी है, अब ये नहीं है कि आप कहीं पे बैठ के ईमेल करते रहो तो आपको कुछ होगा, नहीं हो रहा है, और टेक्निकली अभी इतनी एडवांस हो रही है पुलिस फोर्स भी के पकड़े जाते हैं लोग। साढ़े प्रोग्राम के पॉल चांग जी जिहड़े कि तुहाडे नाल भी गलबात कर रहे हैं, नाल दी नाल असीं देखते हैं साढ़े नाल हुण कौन ने। सुर सागर जी, हैलो, अगे चलते हैं जी। सुर सागर, हैलो जी, हैलो। हाँ जी जी, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल, बोलो। जे रेड लाइन दे विच जी टिकट मिल जावे ते ओदे नंबर जानते ने कि जा, ठीक है जी, कोई नंबर किन्ने कि जानते ने, जानते ने जा माफ हो जांदे ने?
ठीक है जी, पूछते हैं। बड़ा वैसे सीरियस चार्ज है, वो बोल रहे हैं जी कि रेड लाइट में चले गए, टिकट मिल गया तो उसके कितने पॉइंट्स जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? रेड लाइट के लिए जो चार पॉइंट जाता है, अच्छा, और उसका फाइन है $190। अच्छा, हाँ जी। और इसके अलावा कोई उसको चार पॉइंट चल गए, $190 उसकी जी फाइन हो गया, तो इंश्योरेंस का भी कोई है? इंश्योरेंस जरूर जाएगी ऊपर। अच्छा, इंश्योरेंस कम से कम 30% तो जानी जानी है। ठीक है, बहुत बार लोग फिर जब रेड में पकड़े जाते हैं, आपका तो एक्सपीरियंस बहुत होगा, फिर वो बोलते हैं कि नहीं जी मैं रेड में नहीं गया, येलो थी अभी ग्रीन थी तो मुझे तो गलत चार्ज कर दिया। जो लोग समझते नहीं है, वो लोग समझते सिर्फ रेड लाइट के लिए वो चार्ज होती है, मगर ऑन्टेरियो में येलो लाइट का भी फाइन है $190। अच्छा, और चार पॉइंट। अच्छा, अगर पुलिस वाले ने अफसर ने उनको देखा कि येलो लाइट में पास किया, उनको टिकट देना है येलो लाइट के लिए भी, द फाइन इज एग्जैक्टली द सेम, $190 और चार पॉइंट। बहुत बार ऐसा होता है कि जब ग्रीन हो रही लाइट होती है ना, तो पीछे से अपनी स्पीड पे गाड़ी आ रही है, तो अचानक जब येलो होती है तो बंदा उसको फिर सोचता है कि अभी रोकूंगा तो शायद मुश्किल हो जाएगा, तो येलो में फिर निकालना उसको सेफ लगता है। हाँ जी, तो ऐसे हालात में फिर क्या हो? ऐसी हालात में अगर उन्होंने उस टाइम पुलिस वालों को कहा भाई मेरा पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक था, आपने ट्रक नहीं देखा, ये ट्रक अगर मैं ब्रेक मारता हूँ तो ट्रक मुझे पीछे मार देना है, फिर अगर वैसा एक्सप्लेन करता है फिर बात पुलिस वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर पुलिस वाले ने छोड़ा नहीं, उनको फिर भी टिकट दे दिया, बेहतर ये होगा कि उस पर हर टिकट के पीछे में तीन ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन जो है गिल्टी, ऑप्शन नंबर टू जो है नॉट गिल्टी, आई मीन गिल्टी विद एक्सप्लेनेशन, और फिर ऑप्शन नंबर थ्री जो है नॉट गिल्टी। ठीक, अगर आप ऑप्शन नंबर थ्री लेते हैं ना, उसका मकसद ये है कि आप चाहते हैं कोर्ट जाने के लिए और कोर्ट में जाके ये टिकट को फाइट करने के लिए, फिर आपको वो ऑप्शन है टिकट में जाके, मतलब अदालत में जाके जज को समझाया कि भाई ये हुआ, और यूजली जज छोड़ देते हैं। ठीक है जी, तो आपने बोला कि यॉर्क रीजन में ये वायोलेशंस और क्राइम सबसे कम है, इसका रीज़न, मेन रीज़न आप क्या बताना चाहेंगे कि पुलिस जो आपका डिपार्टमेंट है प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करता है? क्राइम प्रिवेंशन पे हमारा खासा प्रोग्राम है, कि हमारा ख्वाहिश ये ना कि क्राइम को रिड्यूस कराना, हमारा जितने जो प्रोग्राम बनते हैं ना कि, और जो लोग भी जो रह रहे हैं यॉर्क में, मतलब कि नया नया जो इमिग्रेंट आ रहे हैं, सारे लॉ अबाइडिंग, खासा लॉ अबाइडिंग सिटीजन आ रहे हैं, और वजह से हमारा क्राइम रेट लो है। ठीक है जी, चलो जी, फिर एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारे लोगों की, सुनने में आती रहती है कि जब उनको कोई ठग के चले गया, उन्होंने किसी को पैसे उधार दे दिए और वापस नहीं किए, उसके बाद झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया, तो फिर हमारे लोगों को यही होता है कि हर काम में जो भी उनके साथ उल्टा सीधा हो गया, उन्होंने पुलिस के पास ही जाना होता है, उन्होंने अपनी ऑप्शंस नहीं देखनी होती कि जे जो भी मैटर हुआ है वो पुलिस के पास लेके जाने वाला है भी कि नहीं, हम हर बात के लिए पुलिस की तरफ देखते हैं। बहुत सारे लोगों की ओपिनियन पॉलिसी ये है कि हमने जी, हमारे साथ ये हुआ था, पुलिस के साथ अप्रोच किया, वो कहने लगे जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। डिपेंड करता है कि मैटर क्या है, अगर फर्स्ट कीजिए सिविल मैटर होता है ना, खासा लोग का मैटर होता है सिविल मैटर, सिविल मैटर में पुलिस स्टेप इन करते नहीं है, पुलिस हम लोग सिर्फ इन्वेस्टिगेट करते हैं जो क्रिमिनल मैटर हो। अच्छा जी, जो फ्रॉड हो गया वो क्रिमिनल मैटर हो गया, अगर सिविल मैटर कुछ और, जैसा फर्स्ट कीजिए बहुत सारे होता ना कि लोग ने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बुलाया कि मेरा बेसमेंट बनाइए, बेसमेंट बनाने के लिए उन्होंने पैसा दे दिया पहला, जैसे डाउन पेमेंट दे दिया कंपनी को, और कंपनी आजकल कोई कोई जो हरामी कंपनी पैसा लेके वो भाग जाते हैं। हाँ जी, ये है सिविल मैटर बेसिकली। ठीक है, इन अ सेंस कि वही उन्होंने, आप यू केम इन टू एन अग्रीमेंट विद अ पर्सन और वो काम शुरू अभी किया नहीं, ये बेसिकली इट्स अ सिविल मैटर। अच्छा जी, क्रिमिनल मैटर होता ना फिर कुछ और हो जाता है, फिर क्रिमिनल मैटर। अच्छा, ये नहीं है कि एक तो उसने पैसा ले लिया, चलो पैसा वापस लेना है तो आप सिविल कोर्ट में जाओ, स्मॉल क्लेम में जाओ, लेकिन वो आदमी ने आपके साथ कुछ करने का प्रॉमिस किया था, वो उसने किया नहीं, ये अपने आप में क्राइम में नहीं आता फिर? यहाँ पे ये लोग कहलाता है सिविल मैटर होता है। अच्छा, क्राइम जब होता ना कि वो फ्रॉड के लिए कुछ और, जैसा किसी ने चेक लिखा और चेक में अकाउंट में पैसा नहीं है, अब उसने आप किसी ने आपको चेक दिया, बोला ये $1,000 की चेक है, आप उसको कैश कर दीजिए जाके, उसमें डेट लिखा हुआ दस्तखत है, जब आपने कैश किया वो चेक बनता है NSF, कि मतलब अकाउंट में पैसे ही नहीं था। ठीक है जी, दैट इज़ अ फ्रॉड, वो है क्रिमिनल मैटर। ओके, ठीक है जी, चलो जी, फिर दस रहे तो बखूबी थोड़ी अपनी ही भाषा के पॉल चांग जी प्रोग्राम सुर सागर जी। हेलो जी, गोलचोक जो साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी भाई साहब। मैं भाई साहब को पूछना चाहना कि एक आदमी अपनी राइट से निकले है,
ਜੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਸ ਤੋਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਸ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਮੁੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਪੰਜਾਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਤਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਸਲ ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ UNO ਨੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕੇ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੇ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਜਬ ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਈ ਉਸਨੇ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੋ ਉਸਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੀ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਗਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੋਕਤਾ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਮੇਂ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੋਕਤੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਲੇ ਅੱਜ ਹਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਯੈਲੋ ਪੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਸਭੀ ਰੁਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਤੋ ਉਸਮੇ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਯੈਲੋ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰੁਕੇਂਗੇ ਸੀਧੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਭੀ ਉਹ ਟਰਨ ਲੇਗਾ ਤੋ ਟਰਨ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕੋ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਬ ਵੀ ਗਾੜੀ ਟਰਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੋ ਟਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗਾੜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਜ਼ ਐਟ ਫਾਲਟ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੋ ਗਾੜੀ ਜੋ ਸੀਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਬਾਤ ਜਬ ਆਪ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਸੇ ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਆਪਕੋ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਏ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਪ ਰੋਡ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਮੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਕੋ ਵਹਾਂ ਰੁਕੇ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੈਡ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਆਪ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜਾਂ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੇਂ ਜਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪ ਜਬ ਈਵਨ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾੜੀ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਔਰ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੇਂ ਲੇਕਿਨ ਯੈਲੋ ਮੇਂ ਵੀ ਸੀਧੇ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਵਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਗਰ ਆਪ ਗਾੜੀ ਕੋ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਵਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੌਲ ਚਾਂਗ ਯੋਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਰਜੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਬਲਦੀਪ ਜੋਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਫਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸੀਧੇ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਟਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਪੇ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਟ ਤੋਂ ਉਸਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਅਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸਕੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਹਾਂ ਜੈਸਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨਏ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਹਾਂ ਤੋ ਯੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਮੇਂ ਹੈ ਕੱਲ ਅੱਛਾ ਤੋ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਜਲਦੀ ਮੇਂ ਤੋ ਬਿਹਤਰ ਯਹ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਅਗਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਬਿਹਤਰ ਯਹ ਕਿ ਆਪ ਵੇਟ ਕੀ ਜਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਕੋ ਆਗੇ ਨਿਕਾਲ ਆਪਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਥੀ ਜਬ ਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੈ ਤਬ ਸੇ ਯੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਯਹ ਨਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਇਤਨਾ ਬੜ ਗਈ ਹਮਾਰੇ
अच्छा जो यहाँ जो कैनेडियन के जो पैदे हुए बच्चे जो है वो भी गाड़ी चला रहे हैं आजकल, तो जब आबादी बढ़ते हैं तो मतलब ट्रैफिक बढ़ रहा है। मुझे आया हुआ 36 साल हो गया, मैं 78 में गाड़ी चलाता था यहाँ, 78 में तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता रोड पे। ठीक है जी, चलो जी फिर ये देख के थोड़ा जहा सावधानी दे विच, सावधानी तो है ही है, पर एक गल जरूर है कि जे असीं आपां अपने मुल्कां तों आए हाँ तो जे व्यवहार असीं आपां अपने मुल्कां वाला इत्थे आके रखांगे तो सानूं जिंदगी भी उहो जिही मिलेगी, तो जे असीं बेहतर जिंदगी दी भाल विच आए हाँ तो फिर सानूं इन्हां बेहतर कानूनां ते चलना पएगा। है जी, तो जे असीं उत्थों वाली अपनी तासीर रखांगे, सुभाअ रखांगे, तो कपड़े नवें पा के कहांगे कि सानूं नवां जीवन कनेडा दे विच मिल जाए, इदां होवेगा नहीं। सुर सागर जी हैलो, अगे चलिए जी। सुर सागर हैलो जी, भाई साहब जी, जी मैं वो नंबर लेना सी जो सिविल मैटर इशू हो जाए तो नंबर की होगा? ठीक है जी, असीं तुहानूं नंबर बाद दे विच दिंदे आ। ਸਮਾਲ ਕਲੇਮ ਕੋਡ ਦਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਯੈਲੋ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੈਲੋ 'ਚ ਲੰਘੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੈਲੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ क्योंकि उन्होंने रोक ले। ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है तुहाडा, बहुत मेहरबानी। जब ये गाड़ी चलाना सीखते हैं ना पॉल जी, तो इंस्ट्रक्टर जो है वो तो फिर कानून के हिसाब से जाता है कि येलो में आपको निकालना है, लेकिन कि येलो में अगर खड़े हुए आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि निकालना सेफ नहीं है तो आप निकालते नहीं हो, तो फिर जब ये हैं जी अपना देते हैं एग्जामिनेशन तो उसमें इनको फेल कर देते हैं कि आपने येलो में क्यों नहीं निकाला। नहीं, आप जब कह रहे हैं कि रोड इंटरसेक्शन में ट्रैफिक बढ़ी हुई है, अगर गाड़ी निकालने के लिए सेफ ना हो, चाहे ग्रीन लाइट भी हो या येलो लाइट भी हो, आपको गाड़ी को हिलाना नहीं चाहिए। ठीक है, गाड़ी को वहीं बैठा दें। ओके, ये जो कह रहा है कि अगर एग्जामिनेशन के टाइम पे इंटरसेक्शन क्लियर हो और ट्रैफिक नहीं है और वो सेफ टू गो, फिर वो निकाल देनी चाहिए गाड़ी को। ऐसा कुछ है कि अगर थोड़ी सी भी कोई ड्राइवर बंदा गलती करता है तो पुलिस वाला फटाफट टिकट देने की काली में होता है कि जी उसका कोई कोटा होता है कि इतनी टिकटें उसने देनी है, ऐसा कुछ होता है? पुलिस में कोटा सिस्टम तो है नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं है। मगर देखिए ना, पुलिस का काम ये ना कि पुलिस ऑफिसर उनका जो शिफ्ट होता है 12 घंटे की शिफ्ट होती है। ठीक है जी, अभी आप हम लोग यहाँ आधे घंटे से बैठे हुए ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, इतने लोग जो ट्रैफिक की जो मिस्टेक करते हैं, वायलेशन जो करते हैं, तो अगर एक पुलिस वाला 12 घंटे के लिए रोड पर गाड़ी चला रहा हो अपना पुलिस कार और उन्होंने एक भी ट्रैफिक की वायलेशन देखा नहीं है, तो मतलब वो पुलिस वाला काम नहीं कर रहा अपना। अच्छा जी, कि वायलेशन हर वक्त होते रहता है और पुलिस का काम ये ना कि ट्रैफिक को स्लो कराना, क्योंकि ट्रैफिक को स्लो कराने की वजह ये है कि हमारा कम्युनिटी सेफ होता है। ठीक है जी, जैसा स्कूल की जोन में बच्चे रोड क्रॉस कर रहा है और गाड़ी स्पीडिंग कर रहा हो ना, पुलिस का काम ये होता है ना कि ट्रैफिक को टिकट देना, क्योंकि अगर गाड़ी स्कूल की जोन में स्पीडिंग कर रहा हो उनको हम लोग स्लो कराना चाहते हैं, क्योंकि फिर बच्चे सेफ हो पाए हमारे। आपकी जब किसी को आप रोकते हैं तो डिस्क्रेशन क्या होती है कि आप टिकट देने के बिना वार्निंग दे के भी छोड़ सकते हो, सो कैसे अपनी डिस्क्रेशन आप कैसे अप्लाई करते हो? डिस्क्रेशन हर ऑफिसर के ऊपर होता है। अच्छा, ये इंडिविजुअल ऑफिसर पे ये उनका वो राइट्स है कि वो किसी को टिकट दे या ना दे, इट्स अप टू इंडिविजुअल ऑफिसर की कैसा करना है। डिस्क्रेशन इज एंटायरली पुलिस के ऊपर होता है। देखो ये तो होता है कि जब किसी को आपने पकड़ लिया, पहले तो भगा रहे होते हैं, परवाह नहीं होती, रेड पे निकाल रहे हैं, लेकिन जब रोक लिया पीछे हैं जी हॉर्न बज गया तो फिर एकदम डर जाते हैं कि अब तो टिकट मिलेगा, फिर वो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट तो हाथ वगैरह तो जोड़ते ही हैं, हर एक ड्राइवर ऐसा करता है, तो फिर आपका मन उस टाइम पर फिर क्या आप डिसाइड कैसे करते हैं किसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? ये हर पुलिस ऑफिसर के ऊपर, अपने इंडिविजुअल ऑफिसर पर होता है कि कैसा छोड़ना नहीं छोड़ना, इट्स अप टू देम। ठीक है जी, अभी कोई नहीं कह सकता कि क्राइटेरिया क्या है, हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा, पता नहीं होता, अपने ऊपर होता है उस वक्त। ठीक है, अभी जैसे फर्स्ट अगर हमने किसी को रोका, अगर मैंने किसी को रोका, अभी बंदा है एक डॉक्टर है, वो भी इमरजेंसी डॉक्टर है, वो स्पीडिंग कर रहा है कि उसको कॉल आई है हॉस्पिटल में जाना, उसको पेशेंट को सर्जरी करनी है, तो दैट इज अ लेजिटिमेट रीजन फॉर अस, हम लोग उनको छोड़ देते हैं। हाँ। अच्छा, कभी ये भी होता है कि जब आपका उनका लाइसेंस चेक करते हो तो आप उसकी बैकग्राउंड सभी आपके सामने आ जाती है, सो बंदे की बैकग्राउंड कैसी है वो भी डिपेंड करता है कि आप उसको चार्ज करोगे, टिकट दोगे कि ना छोड़ोगे? हाँ, अगर फर्ज कीजिए अभी एक आपने एक बंदे को रोका और वो स्पीडिंग के लिए रोका, ठीक है जी, मुझे कहता है कि छोड़ दो, छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ो कि मुझे ये टिकट नहीं चाहिए, अभी आप चेक करेंगे वो उसको
खासा स्पीडिंग टिकट मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब कि ये ड्राइवर अपना सबक सीखा नहीं अभी तक, ओके, फिर भी ये मुसलसल वो स्पीडिंग कर रहा है, ठीक है जी। उनको फिर ये छोड़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता पुलिस वाले के लिए। बिल्कुल जी। सो जितने भी लो जी चार्ज थोड़े लगते टिकटा तुम्हें मिलदियाँ, मंतव सबक सिखाना होंगे। जो जे हूँ तुम सबक नहीं सीख रहे हो, शराब पी के बार बार गड्डी चला रहे हो, फड़े जा रहे हो, कभी सीट बेल्ट नहीं लगाई, स्टॉप साइन पर नहीं रुके। ब्रैम्पटन चो तो सू बहुत शिकायत मिलती है जी कि जोड़े साढ़े लोग हैं ये पंजाब वागू इतने गड्डिया चलाते हैं तो स्टॉप साइन तो रुकना हट ही गए हैं बिल्कुल, हाँ जी। तो फिर जो पुलिस पकड़े तो फिर असं कहने कि सानू पुलिस ने पकड़ लिया। दूसरा कूड़ा सुट्ट की भी ब्रैम्पटन तो सानू बहुत समस्या दस रहे हैं लोग के चोरी छुपे जिते वेलियां थावान ने उत्थे देख के कूड़ा सुट्टी जा रहे हैं। सो पंजाब तो आके जे आदतां पंजाब वालियां रहणगियां तो साडा जीवन भी पंजाब वाला ही होएगा। फिर कहने कि जे तुसीं चंगे जीवन की भाल में आए हो तो चंगा आचरण अपनाओ। सुर सागर जी। हाँ जी जोर साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई साहब। अगर फॉलो टू क्लोज दी जदों टिकट मिलदी आ ओह किवें मेंटेन कीता जावे डिस्टेंस के भी फॉलो टू क्लोज सेफ डिस्टेंस किदा कीता जावे मेंटेन जी इहदे बारे पता करना। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो लाइसेंस जदों लेंदे हो दसदे ने कि तुसीं किन्नी डिस्टेंस रखनी है, बट फिर भी जी जे कोई बहुत क्लोज फॉलो कर रहा है गाड़ी तो उसको कैसे? डिपेंड फॉलो टू क्लोज ये जो चार्ज है ना डिपेंड करती है कि आप किस स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा जी। अगर आपका जितना स्पीड ज़्यादा हो, जैसे हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हो 100 चला रहे हो या 110 चला रहे हो तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप सड़क शहर की सड़क पे गाड़ी चला रहे हो 50 पे या 60 पे आप गाड़ी चला रहे हो तो वो डिस्टेंस कम भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। मगर एक्चुअल वो जो चार्ज करना है वो बहुत मुश्किल चार्ज है और उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है कोर्ट में, अदालत में, क्योंकि वो डिस्टेंस वेरी करते रहते हैं। गाड़ी कोई गाड़ी मुसलसल चल रहा होता है, हिल रहा, गाड़ी तो मूविंग हो रही है, तो उसको चार्ज करना उसको अदालत में प्रूफ करना भी बहुत मुश्किल है। और वेदर की वजह से कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी डेंजरस रोड स्लिपरी ज़्यादा हो जाए तो उसका भी कोई? हाँ जी, अगर बाहर में रोड की कंडीशन ख़राब हो, मतलब कि स्नो हो रहा हो या फ्रीजिंग रेन हो रहा हो, बेहतर यह कि जितना आप पीछे रहे तो बेहतर होता है आपके सेफ्टी के लिए। ठीक है जी। सर सागर जी, हेलो जी, सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੌਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਨ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੱਸੋ। हाँ जी, एक तो तुसी लेफ्ट टर्न की गल कर रहे थे जॉन साहब, लेफ्ट टर्न दे विच तीन चीजा बहुत जरूरी है। पहली चीज प्लानिंग, दूजी पोजिशनिंग, तीजी पेशेंस। जी, पेशेंस थोनू बहुत जरूरी है। लेफ्ट तुसी जब एक बार इंटरसेक्शन दे विच चले गए तो यू वेट जब तक सामने वाली गड्डी स्टॉप हो जाए जा लंघ जाए, ठीक है, तुहाडे कोल रेड च भी टाइम हैगा जाण वास्ते। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। तीन पी तुसी दस्से गल जड़ी है पेशेंस ते पीपल ना, अजकल दो डिफरेंट चीजा हो चुकी है। पेशेंस ते रही नहीं जी साडे विच। हां जी ठीक है, पेशेंस ना होण ते साडा आपां इमीग्रेशन नु बेअगवानी ब्लेम कर सकदे। ए चक्कर एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है जी, और तुसी देख लो भी इटालियो दे विच जे आपां बारबर दा कोर्स करदे तो 6 बजे दा कोर्स आ। ते ड्राइविंग लाइसेंस असीं 2 लाइन तो दसदे भी कि मैनूं राइट, हालांकि 900 तो ऊपर बंदे मरते हैं टारगेट में हर साल। शुक्रिया तुहाडा, तुसी प्रोग्राम चाहे जी। वी हैव टू चेंज अवर थिंकिंग। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। ये देखो थिंकिंग, सोच जे असी बदलांगे नहीं, दकिया नूं सी रखांगे, सोच दा कूड़क बड़ा साफ नहीं करांगे, जहाज़ दे विच उदां ही नवें कपड़े पा के बह जाएंगे, सोच इत्थे आ के उही अप्लाई करांगे, हाँ जी, तो फिर वह जीवन भी तो सानूं उही मिलना। जे हुण असी ब्रैम्पटन शहर इन्ना वधिया शहर है फुल्लां वाला, उत्थे कूड़ा असी सिटदे आ वेलियां थावां ते जाके घरां दा, ते कमाल नहीं फिर साडी सोच किधर नूं जा रही है, मैं ते हैरान आ बहुत जी। सुर सागर जी, हैलो, अगे चलिए जी। सुर सागर सत श्री अकाल जी। जी भाई साहब। हां जोर साहब, मेरा क्वेश्चन जेड़ा हैगा जी,
ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਤੇ ਟੋ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਾਟੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਜ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਰਾਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗਰਾਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਾਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ $800 ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ $800 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ लोगों का एक्सीडेंट कार की एक्सीडेंट होती है फिर लोग इमोशन हाई होता है उनको पता नहीं सोच नहीं सकते तो वो मौका लेके ना लोग को एक्सप्लोइट करते हैं बेहतर ये होता ना कि आपका हक होता है इसमें अगर आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो आपको आपके पास चॉइस है आपको कौन सी टो ट्रक कंपनी इस्तेमाल करनी है अगर फर्ज कीजिए आपके पास कोई CAA का मेम्बरशिप हो या कैनेडियन टायर का मेम्बरशिप हो और वो उसमें टोइंग का फैसिलिटी हो आप अपना चॉइस का टो ट्रक कंपनी कॉल करके अच्छा आप अपना गाड़ी को टो करवाइए और आपका मर्जी है आपको जिस बॉडी शॉप या जिस डीलरशिप पे जाके आपको गाड़ी बनवाना है आपका चॉइस है ये टो ट्रक कंपनी जो करते हैं ना वो चाहता है कि आप उसका अपना कंपनी में जाके गाड़ी बनवाए क्योंकि उनको खांचा मिलता है वहाँ से अच्छा अच्छा तो ये है आजकल यहाँ पे टो ट्रक कंपनी भी मतलब फ़ायदा वक्त का फ़ायदा उठाता है पल जी जो मुसीबत में फंसा हुआ बंदा होता है टो ट्रक वाले तो आसपास होते ही हैं वो गाड़ियाँ कई बार अपने आप ही आके रोक लेते हैं कि हाँ जी बताओ अब ज़िंदगी में बंदा बंदे की बात पे भरोसा करता है हाँ उसने अगर ये बात कही कि मैं जी $70 लेके 75 लेके ये कर दूंगा वो कर दूंगा बंदे ने सोचा प्रोफेशनल बंदा है टो ट्रकिंग वाला तो उस पर यकीन तो करना ही होता है ना तो अब लेकिन के अगर वो की हुई बात पर नहीं रुकता तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है या क्या है ये क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है अच्छा मगर प्रॉब्लम ये होता ना कि आजकल टो ट्रक तो $75 में चलता नहीं है अच्छा जी $300 $400 के टो ट्रक होती है काम तो किसी ने आपको मतलब $75 में कहा तो मतलब इसमें कोई दाल में कुछ काला है इसमें ख्याल करना पड़ता है अगर किसी ने कहा कि भाई इतना पैसा है उसको बोलो कागज़ में लिख के दो या रिसीट में लिख के दो कि भाई ये कॉस्ट बनती है इतना अच्छा फिर उस पर वो आदमी माइंड नहीं चेंज कर सकता ठीक है मैंने आपसे 75 नहीं कहा था मैंने आपसे $500 का लो जी पॉल जी ने सलूशन बता दिया कि जो भी वो बंदा आपको बताए तो उसको बोलो भैया मेरे को लिख के दे दो हैं जी तो फिर मैं आपके साथ आगे बिजनेस करने को तैयार हूँ नहीं तो फिर कोई और ट्रक वाला आप कॉल कर लो हाँ जी सर सागर जी हेलो हेलो नो जी सर सागर हेलो जी लो जी फिर जी दोबारा से गल शुरू करो बहुत धन्यवाद जी आया नू हाँ जी मैं ये पता करना सी भी जो आप गड्डी ड्राइव करते हैं फ्रीजिंग रेन है या स्नो पैंदी है ओदे विच जो एक्सीडेंट होता तो ओदे विच किहड़ा फॉल्ट होंदा ते मतलब ओदे बारे पता करना सी जी ठीक है जी पूछ लेने अच्छा जी स्नो या वैदर खराब है फिर तुहाडा एक्सीडेंट हो गया मतलब गड्डी तुहाडे कंट्रोल च नहीं रही हां जी हाँ जी हाँ जी सो वैदर रिलेटेड रीजन करके गड्डी जड़ी है जी एक्सीडेंट होंदा ते फिर फॉल्ट किसका जी हाँ जी हाँ जी जी ठीक है जी हाँ जी दसो जी पॉल जी देखिए जब वेदर की वजह से एक्सीडेंट होते हैं ना कि फिर भी ड्राइवर का फॉल्ट होता है इसमें अच्छा जी वजह यह है ना कि अगर वेदर ख़राब हो बाहर तो ड्राइवर को गाड़ी स्लो कर देनी चाहिए अगर आप गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में चलाएं ना तो गाड़ी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी है
ओके आर एफ कंट्रोल होने की वजह से तो एक्सीडेंट होती है हमेशा। अगर फर्स्ट कीजिए ब्लैक आइस की वजह से ना तो वो कुछ और बात है, ब्लैक अच्छा। आइस में नज़र नहीं आता आपको वो, उस पर एक्सीडेंट हो जाए ना फिर वो फॉल्ट नहीं होता किसी पे इसमें। अच्छा वैसे ये पुलिस तो हमेशा कहती है जी कि जब वेदर ख़राब हो गया तो अपने आप अपनी स्पीड को आप कंट्रोल करो, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो ड्राइवर लोग हैं वो अपनी स्पीड को काबू में नहीं करते। हाँ जी। तो इसीलिए जब भी वेदर ख़राब कम होता है लेकिन कि एक्सीडेंट की जो रेशो बढ़ जाती है उसकी वजह ये है कि ड्राइवर जो है अपनी रफ्तार को कंट्रोल नहीं करते हैं। सुर सागर जी हेलो जी असं अगे चलेंगे तुसी जी होल्ड कर दे। जी भाई साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਟੋ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਤਮੀਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਤਮੀਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਟੋ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ, ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜੇਬ 'ਚ। ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਓ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਾਂ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੌਲ ਚਾਂਗ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੋਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਰਜੈਂਟ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਯੋਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜਬ ਬਾਤ ਚਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪੌਲ ਜੀ, ਤੋ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਲੋਕ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ ਤੋ, ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮੇਂ ਆਪਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਮ ਪੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਦਦ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਸਟ ਕੀ ਜਾ ਕਹੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਤੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੋ ਜੋ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਏ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਭਕੋ, ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋ ਪਕੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਵਿਟਨੈਸ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਅਪ ਰਹੇ, ਯੈਸ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਮਦਦ ਮੇਂ ਹਮ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਸਿਵਾਇ ਮਤਲਬ ਯੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇਂ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਏ, ਜਾਂ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੇਂ ਵਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਆਲਵੇਸ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਏ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੋ ਕੋ ਫਸਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਝੂਠੀ ਵਿਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਦੇ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਚੱਲ ਜਾਤਾ ਹੈ? ਕਭੀ ਕਭਾਰ ਝੂਠੀ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਅਬ ਇਸਮੇਂ ਯੇ ਹੋਤਾ ਨਾ ਕਿ ਯੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਚਾਰਜ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਬਸਟ੍ਰਕਟ ਪੁਲਿਸ, ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾ, ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਚਾਰਜ, ਇਸਮੇਂ ਅਬਸਟ੍ਰਕਟ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਅਬਸਟ੍ਰਕਟ ਜਸਟਿਸ, ਤੋ ਯੇ ਵੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਚਾਰਜ। अच्छा जी, ठीक है। और हमारे लोगों में एक ये भी बात है, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें, चलो पाकिस्तान की, जहां हमारी सारी कम्युनिटी की बात करें, तो ये बहुत है कि कभी किसी पे चार्ज लगवा दिया, पुलिस के बाद चले गए, जब वो दूसरे ने आके मिन तरला किया तो सोचा चलो जी राजीनामा कर लेते हैं, सारी बात रफा दफा कर देते हैं। वो कनाडा में भी आके यही बात सोचते हैं कि जी किसी पे चार्ज लगवा दो और जब मर्जी उसको हम बाद में दिल करें तो फिर वापस लेने की सोचने लगते हैं, लेकिन कि कनाडा में ये बात तो चलती नहीं कि चार्ज लगवा दो और विदड्रा कर लो, ऐसा तो होता ही नहीं। नहीं, ऐसा होता नहीं है। अगर किसी ने मतलब ऐसा इसी तरीके से बदमाशी की है, ये कुछ किया ना, वो भी फिर अबस्ट्रक्ट पुलिस। अच्छा, भी हो सकता है। हाँ। अच्छा, किसी पे अगर किसी को चार्ज लगवाना पड़ा, चार्ज लगवा दिया, बाद में उसका मन हुआ कि बंदे ने चलो जी अब ये ठीक हो गया, इसको छोड़ा जाए, एक मौका दिया जाए, अगर वो चार्ज लगवाने वाला बंदा ऐसा चाहता है तो क्या करें? नहीं, देखिए ना,
यहाँ पे लोग चार्ज नहीं करते, पुलिस चार्ज करते हैं। अभी अच्छा। आपने अगर किसी कोई विक्टिम किसी केस में भी जैसे गाड़ी चोरी हो गया हो या घर में ब्रेक इन एंटर हो गया, वो जो विक्टिम होता है ना पुलिस को रिपोर्ट लिखवाता है, ठीक है, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है और उनको फिर सस्पेक्ट जब मिल जाता है कि इस बंदे ने ये क्राइम किया, तो पुलिस ऑटोमेटिकली उनको खुद चार्ज करता है। अच्छा, वो सिटीजन विक्टिम नहीं चार्ज करते, पुलिस चार्ज करते हैं। और विक्टिम की मर्जी से केस वापस नहीं होगा? नहीं होता है। ठीक है, अगर विक्टिम चाहे कि इसको एक मौका देना है तो? मौका देना है तो वजह फिर पुलिस वाला पूछता है विक्टिम से कि वजह क्यों है, ठीक है जी, मौका मतलब कि ये चार्ज विड्रॉ करने के लिए, फिर वो देखता है, फिर वो पुलिस वाले जाके जज से भी बात करना पड़ता है कोर्ट में। सिर्फ हाँ सिर्फ पुलिस नहीं कह सकता कि मैं चार्ज को विड्रॉ कर रहा हूँ, पुलिस को जाके प्रोसिक्यूटर से बात करना है, अगर प्रोसिक्यूटर अग्री करे फिर जज से भी बात करना है, अगर जज अग्री करे फिर चार्ज विड्रॉ होती है। ऐसा होता ना जी कि हमारे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, एक पैग भी पी लिया तो फिर आपे से बाहर हो जाते हैं, हैं जी, फिर बोलते हैं कि मैंने पैग पी के क्या किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। सो कई बार घर वालों पर ही एक दूसरे पर अटैक हो जाते हैं एक पैग पी के, बाद में एक होश आ जाए तो बंदा बोलता है यार मुझे मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में फिर लोगों को जब उनका कोई वस नहीं चलता कि वो चार्ज वापस ले ही नहीं सकते तो फिर बहुत वो पछताते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि अगर आप जब आपने कहा कि पैक पी रहा हो मतलब शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, और घर वाले के साथ लड़ाई झगड़ा हो, ये बन जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस जब होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली पुलिस वाला चार्ज करते ही करते हैं। ये यहाँ पे ऑन्टेरियो में क्योंकि सेफ्टी की वजह से ये उन्होंने ऐसा असूल बनाया हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए चार्ज करना ही करना है। तो इस चार्ज को फिर कोई भी बंदा अपनी मर्जी से चाहे कि जी मैंने चार्ज करवाया था अब मैं वापस ले लूँ, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। चलो जी, फिर ये साढ़े को पॉल चांग यॉर्क रीजनल पुलिस तो सार्जेंट ते तो हैं जी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम के। भाई मनजीत सिंह जी, असं तुहानू एक मौका दिंदे आ ते जे संखेप दे विच रहो, क्योंकि काफ़ी सारे साढ़े को होर भी हैं स्रोते दर्शक, तो अपना सवाल जे संखेप च कर सकते हो तो धन्यवाद। भाई साहब ज्ञानी मनजीत सिंह जी लाइन ते हो, बहुत मेहरबानी, दोबारा कोशिश कर लेना। सुर सागर जी, हाँ जी भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं भाई पॉल साहब ने एक क्वेश्चन पूछना चाहता कि इन्होंने कभी अपनी लाइफ कोई निगर वर्ड यूज किया इन्होंने? ये हुण सवाल दी कोई पिछोकड़ भी है, बैकग्राउंड नहीं, मैं पूछना चाहता कि इन्होंने कभी यूज किया ये वर्ड अपनी कभी लाइफ च? चलो वैसे पर्सनल इन्हों का है, पूछ लेने जी के आपने कभी निगर वर्ड यूज किया, ये पूछ रहे हैं। नहीं, किस लिए करना है? नहीं, वजह नहीं किया, नहीं किया जी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया जी, कह रहे नहीं किया जी, है शुक्रिया जी, मेहरबानी। सुर सागर जी, हाँ जी, मैंने मौका दिता, संखेप रखना जी, समा बहुत घट है, संखेप रखो अपना सवाल। मैं सिर्फ ये पूछना चाहना पुलिस नो सिख सीनियर नाल या किसी भी सिख आदमी नाल ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਲਟੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਹਮਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕੈਸੇ ਪੇਸ਼ ਆਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੈਸੇ ਪੇਸ਼ ਆਨਾ, ਯੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨਕੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਦੀ ਜਾਤੀ। सो आपके तो डिपार्टमेंट में ही मुझे लगता है कि मोर देन हाफ ए डजन सिख पुलिस ऑफिसर्स हैं। हाँ जी, और उनको तो पता ही है कि सिख लोगों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है। क्या कहना चाहते हैं? हमारा देखिए, हम मैं सिर्फ कह सकता हूँ यॉर्क रीजन के लिए। हाँ जी, जो पील में जो हो रहा है टोरंटो में हो रहा है हमें नहीं पता, जो पील रीजनल पुलिस में या टोरंटो पुलिस में हमें नहीं पता। तो मेरा कहना का ये ना कि हमारा यॉर्क रीजनल में खासा ट्रेनिंग दिया जाता है डाइवर्सिटी के लिए। अच्छा जी, हर नया जो पुलिस ऑफिसर आता है हमारे लिए काम करने के लिए उनको 40 घंटे का डाइवर्सिटी ट्रेनिंग मिलता है। अच्छा। और उस 40 घंटे के अंदर एक दिन होता है जहां हम लोग उनको मुख्तलिफ गुरुद्वारा टेंपल चर्च में हम लोग उनको देके मिलवाते हैं उनसे। अच्छा जी। और उनको सिखाता है कि भाई हर मज़हब किस तरीके से काम चलता है। फर्स्ट गुरुद्वारा जाता है, मुसलमान का मस्जिद में जाते हैं हम लोग, इजिप्शियन का जो कॉप्टिक चर्च में जाते हैं, ज्यूइश का सिनेगॉग जाते हैं, बुद्धिस्ट का टेंपल में जो हम लोग जाते हैं, उनको सिखाने के लिए कि मुख्तलिफ दुनिया की जो मज़हब है किस तरीके से काम चलता है, और पुलिस को उनको किस तरीके से इज्जत देनी चाहिए। एक पॉल जी, बहुत बड़ी शिकायत ये भी आती है, पता नहीं कितनी जेन्युइन है ये,
कि जो हमारी जहाँ अपनी कम्युनिटी के ही पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज्यादती अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ही करते हैं, क्योंकि उनको उनकी कमज़ोरियाँ, उनकी बैकग्राउंड पता होती है कि इनको टैकल कैसे करना है। हैं जी, पंजाब वाले फॉर एग्जांपल पंजाब पुलिस की तरह यहाँ पे लोगों के साथ पेश आते हैं, बहुत बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं, ऐसा कुछ होता है? अगर आपका ऑडियंस को ये होने पता होना चाहिए ना, कभी भी किसी पुलिस वाले ने आपके साथ गलत तरीके से ट्रीटमेंट दिया, हाँ जी, हर सिटीजन को मौका यह है कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करें। वो चाहे वो पुलिस वाले कंप्लेंट लेते ही नहीं पॉल जी, कंप्लेंट जरूर लेने हैं उनको। अच्छा, हाँ जी, अगर वो कंप्लेंट वहाँ नहीं लेना तो दे कैन गो टू जो प्रोविंशियल का जो इंडिपेंडेंट सिविलियन बॉडी है वहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, वो भी कंप्लेंट कर सकता है, उसका भी वेबसाइट है, अभी मैंने वो साथ लेके आया नहीं, और जब ये शो खत्म होने के बाद मैं आपको दे देता हूँ। चलो जी, फिर तुम किसी अपनी कमजोरी करके डर दे रहा हो कुछ ना करो तो वक्री गल है, ऑप्शन बड़िया ने। पॉल चांग जी ने पहला भी प्रोग्राम दसिया भी जे हैं जी थोड़े कोई कमजोरी नहीं तो डरन की भी फिर लड़ नहीं, ऑप्शनस काफ़ी ने जे तुम अपना राइट लेना हो। सुर सागर जी, हैलो। हैलो, सत श्रीकाल जी। जी भाई साहब, की हाल है थोड़ा? हाँ जी, मेरा नाम गुरप्रीत है जी। जी गुरप्रीत, मैं सवाल पूछना सगा, मैं यॉर्क रीजन जो रहा सगा उत्थे एक्सीडेंट हो गया सगा, मैं अपने फ्रेंड नाल सगा, ते पिछों गड्डी हिट हुई सी, किसी ने साडी गड्डी च मारी सी, ते सारी गलबात हो गई, बंदे दा जिहदे हिट जिहदे फॉल्ट सगा ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਐਲਕੋਹਲ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, करने तो नहीं चाहिए। अच्छा, अनलेस किसी ने उसको बुलाया हो, मगर हर एक्सीडेंट, ये जो उनको एक्सीडेंट हुआ उनको ज़रूर ये एक्सीडेंट रिपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, और वो रिपोर्ट हमारे जो यॉर्क रीजन में एक्सीडेंट होता है तो हमारा वहाँ कोलिजन रिपोर्टिंग सेंटर है रिचमंड हिल में, यंग एंड 16 पे हमारा कोलिजन रिपोर्टिंग सेंटर बनी हुई है। अच्छा, हर एक्सीडेंट को वहाँ जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा, तुम लगातार लाइना पर बने हुए हो, पर जसप्रीत रंधावा जी देख रहे हैं प्रोग्राम को, सारा कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने इशारा होया, समा बहुत बाकी नहीं, लेकिन कि जान तो पहला असं हमेशा जो भी कोई पुलिस ऑफिसर साढ़े प्रोग्राम के आते हैं बड़े सत्कार के नाल असं उन्होंने को जानकारी लैन की कोशिश करते हैं, अपनी यंग जनरेशन के लिए होर बच्चे जोड़े पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सुपना देखते हैं, रिक्रूट होना चाहते हैं उनके लिए, और इसके साथ ही कोई वो वॉलंटियरिंग कर सकते हों पुलिस में, उनका अगर जाने का इरादा हो तो कैसे शुरुआत करें ये थोड़ा बताइए। अगर किसी को वॉलंटियर करना हो यॉर्क रीजनल पुलिस में, हमारा जो वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर है उनका नाम है डेबी रॉबिन्सन। अच्छा जी, तो अगर आप जिसको भी वॉलंटियर करना है उनको कॉल कीजिए, उनका वो एक्सटेंशन है 6717। अच्छा, उनको कॉल करके वॉलंटियर का जॉब ले सकते हो, और आप www.yrp.ca ते जाके भी तुसी जानकारी ले सकते हो, वैबसाइट है यॉर्क रीजनल पुलिस की, किस तरह तुसी वॉलंटियरिंग कर सकते हो, किस तरह तुसी पुलिस ऑफिसर बन सकते हो। इस दे विच यही है जी कि बचपन तो लैके जदों तो जन्म होया उदों तो लैके पुलिस ऑफिसर बनन तक, पुलिस ऑफिसर बनन तो बाद फिर बाकी दी तमाम जिंदगी तुहानू अपना कंडक्ट कैरेक्टर जरूर अच्छा रखना पैंदा है जी। सो ये नहीं गा वे तुहाडे ते कन्विक्शनस ने और तरह तरह के हैं जी, तुसी चंद चढ़ाए हुए ने ते बाद दे विच तुसी कहो जी मैं पुलिस ऑफिसर बनना, सो ये संभव नहीं है। इस करके जिहड़े लोग ये समझते जी लो पुलिस साडा की बिगाड़ लूगी, अदालतां साडा की कर लैणगियां, इहो जिहे काम हुंदे आ कि जदों तुसी इक वारी कोई चंद चाड़ दिओ ते फिर इहो जिहे तुहाडे सुपने अधूरे रहि जांदे ने, ये फिर सज़ा के तौर पर एक तरीके दे नाल हुंदियां ने गल्लां, लोड़ सिर्फ लिखण के समझण दी है, जे असीं ठीठ होए रहांगे ते अपना आचरण दुरुस्त नहीं करांगे ते कुदरती है कि सानू फिर सुपनियां दा सिरजा होया
हैं जी मुल्क दे विच जाके भी जीवन उहो जिहा प्राप्त नहीं होएगा। पॉल चांग जी अज दे प्रोग्राम दे विच पेश हो के तुसीं वख वख विषयां ते जानकारी दित्ती साडे हैं जी ऑडियंस नूं जागरूक करने की आपने कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साडे स्रोते ते दर्शक इस प्रोग्राम दे नाल जुड़े। पॉल जी आपका एक बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।